नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीते, जिसकी रचना बर्नहार्ड मोस्टल द्वारा की गई है और अनुवाद किया है यामिनी राम पल्लीवार महोदय ने, इसका छठा भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग अपनी योजना पर ही टिके रहते हैं, वे अपने रास्ते में इधर उधर आने वाले अवसरों पर ध्यान नहीं दे पाते। शाओलिन में एक किसान की कहानी सुनाई जाती है, जो अपने घर में घुसे चूहे से परेशान है। चूहे को मारने के लिए उसने एक बहादुर बिल्ली खरीदी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। चूहा बहुत तेज था और उसने बिल्ली को चकमा दे दिया। तब किसान एक दूसरी बिल्ली लाया, जो अत्यंत होशियार और चालाक थी, लेकिन चूहा सावधान था। वह तभी बाहर निकलता जब बिल्ली सो रही होती। इसके बाद पास के मठ के भिक्षु ने उसे अपनी बिल्ली उधार में दी। उस बिल्ली में कुछ खास नहीं था, वह बिल्ली सारा दिन सोती ही रहती थी। किसान निराश हो गया, लेकिन भिक्षु के विशेष आग्रह पर उसने बिल्ली को अपने पास रहने दिया। बिल्ली के सोए रहने से चूहा निडर हो गया था, यहां तक कि वह बिल्ली के सामने ही दौड़ भाग करने लगा। बिल्ली उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। फिर एक दिन अचानक बिल्ली ने झपट्टा मारा और चूहे को एक ही वार में मार डाला। यह कहानी हमें दो बातें सिखाती हैं। सही क्षण की प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है और उस क्षण के आने पर एक्शन लेने के लिए तैयार रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अवसर का सिद्धांत हमें अभी अभी पके सेवों को तोड़कर उनसे दावत तैयार करना सिखाता है। अवसरों के साथ जबरदस्ती आपको भूखा ही रखेगी। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर काम का एक सही समय होता है, जो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी उपयुक्त होता है। अच्छा योद्धा हमला तब करेंगे जब उनकी एकाग्रता अपने चरम पर होगी और विरोधी का ध्यान इधर उधर होगा। शाओलिन में कहा गया है, जो नदी के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा, वह अपने दुश्मन की लाश को तैरता हुआ देखेगा। जो अवसर के साथ धैर्य का भी संयोजन कर सकता है, उसे आश्चर्यजनक रूप से सफलता हासिल होती है। यदि आप अपने विरोधियों को पराजित नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें गले लगा लेना चाहिए। चीनी कहावत। जान लीजिए कि झुकना बचाव का एक प्रकार है और यह एक ऐसा हमला है जो प्रतिद्वंद्वी अपने आप पर करते हैं। आपका ध्यान लड़ाई पर नहीं बल्कि जीत पर केंद्रित होना चाहिए, बहादुरी के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि
अपना वर्चस्व स्थापित करने पर होना चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर में सुनुज्जु लिखते हैं, कमजोर होने का नाटक करें ताकि आपका विरोधी घमंडी हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति हिंसा के बिना केवल वही करता है जो करना जरूरी होता है और वह विजयी होता है। लाओ त्सु। बिना युद्ध के दुश्मन के प्रतिरोध को नष्ट करने में ही श्रेष्ठता है। सुनुज्जु। कमान खींचें पर तीर न चलाएं, मारने से डराना बेहतर। चीनी कहावत। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।